नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हर घर में बनता है और इसके आगे खाने में कोई और चीज़ मुकाबला नहीं कर सकता। और ये सिंपल सा रेसिपी हर घर में ज़रूर बनता है दाल चावल के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये आलू का भुजिया बहुत ही आसानी से 2 मिनट में बन जाती है और ये सबको भी पसंद आता है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रहा है हमारे आलू की भुजिया, तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 आलू, 2 मीडियम साइज़ का प्याज और ले लिया है 4 हरा और लाल मिर्च को मिला के। ये बहुत स्पाइसी है और ये आलू भजिया थोड़ा स्पाइसी हो तो भी अच्छा लगता है। तो अब हम आलू को कट कर लेते हैं, थोड़ा बीच से ही कट लगा लेंगे ताकि काटने में इजी हो। इस तरह से हम पतला पतला स्लाइसेस में पहले कट करेंगे। देखिए इस तरह से हम कट लगा लेंगे, बहुत बढ़िया से इसको काटना पड़ता है, बिल्कुल पतला पतला। देख सकते हैं कितना पतला है हमारा आलू की स्लाइसेस। अब इसको साइड से भी हम कट लगा लेंगे। अब आलू की भुजिया जितनी पतला पतला हो उतना ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे आलू को काटेंगे। और देखिए मैंने सारे आलू को काट के पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 बार। अब हम चलते हैं प्याज काटते हैं। देखिए प्याज को हम थोड़े मोटा मोटा काटेंगे ताकि हम जब आलू की भुजिया खाए तो जब मुँह में प्याज की स्लाइसेस आएगी तो थोड़ा क्रंचनेस आएगा। तो देखिए इस तरह से हम प्याज को काट लिए हैं। जब आलू की भुजिया बना रहे हो तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तभी अच्छा लगता है। अब हरे मिर्च को भी हम इस तरह से काट लेंगे। अब कढ़ाई को अच्छे से करेंगे गरम, बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए वरना ये तले में चिपक जाएगा। तो इसको अच्छे से गरम करेंगे और यहाँ पर मैं सरसों तेल डाल रही हूँ और यहीं पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जितना जीरा। इसको अच्छे से चटकने देंगे। अब यहीं पर हमने जो काट के रखा था आलू उसको डाल देंगे। अब यहीं पर मैं डालूँ 2 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून हल्दी। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये बहुत सिंपल सा ही रेसिपी है, इसको बैचलर्स लोग भी बना सकते, कोई भी इसको बना सकते, जो कोई हॉस्टल या मेस वगैरह में रहते हैं इसको बना के खा सकते हैं दाल और चावल के साथ। बहुत सिंपल सा है और जब भी सिंपल सा कोई खाने को मन करे तो इस तरह से ज़रूर बनेगा बनाइएगा। दाल चावल या रोटी पराठा किसी के साथ आप खा सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। अब इसको हम 1 मिनट के बाद पलट रहे हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम ढक्कन लगाते हुए 2-3 बार में हम इसको कुक करेंगे जब तक आलू हमारा 80 से 90% तक कुक ना हो जाए। इस तरह से देखिए आलू हमारा अच्छे से कुक हो गया है, ज़्यादा नहीं कुक करेंगे वरना ये आपस में मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा ही तेल डाल दूँगी। अब डाल दूंगी जो कटा हुआ हमारा प्याज और मिर्च को भी यहीं पर डाल देंगे, पहले से प्याज को नहीं डालेंगे वरना प्याज हमारा आलू के साथ ज़्यादा कुक हो जाएगा तो इसका क्रंचीनेस चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहीं पर हम 1 से 2 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। और ये आलू भुजिया आप किसी के साथ भी खा सकते हो, मूढ़ी के साथ भी बहुत अच्छा रहता है।
अब इसको इस तरह से हम फैला देंगे। अब एक मिनट तक और कुक कर लेंगे। अब यहीं पर मैं घर का बना हुआ कूटा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा स्पाइसी के लिए। अब थोड़ा सा धनिया का सॉरी जीरा का पाउडर मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब बन के रेडी हो गया हमारा आलू भुजिया। देखिए कितनी झटपट से बन गया हमारा आलू भुजिया बहुत आसान तरीके से। और इसके आगे खाने में और किसी कोई जवाब नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मिलते रहूँगी न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।